भावना क्लब जौनपुर हिंदी भवन में कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारे जौनपुर के जितने मेधावी छात्र हैं विभिन्न स्कूलों से, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है, जिन्होंने उसमें 10th की परीक्षा में और 12th की परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनको फ्यूचरिस्टिक वे में वो किस तरीके से कॉलेजेस में अप्रोच कर सकें, आगे वो किस तरीके से सिर्फ जनपद का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सकें, उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए सद्भावना क्लब ने अपना कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमने बच्चों को पुरस्कृत किया और एक मोटिवेशन भी दिया और उन्हें ये भी बताया कि जनपद जौनपुर कई वर्षों से कई सारी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिनसे वो वंचित रहा, इसके बावजूद भी यहाँ से अगर हम देखें नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा निकले हैं, ऑफिसर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा निकले हैं, पुलिस की भर्तियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ से हुई हैं, तो जौनपुर का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और उसी इतिहास को हमारे बच्चे जो हैं वो आगे लेकर के चल रहे हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। मैम आप जनप्रतिनिधि हैं, आज जो स्वास्थ्य और शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा बहुत महंगी हो गई, प्राइवेटीकरण हो गया है इसका जो है शिक्षा का, निजीकरण हो गया है, तो उस पर क्या बोलना चाहती हैं, या जो हमारे जो बच्चे यहाँ पर आए इनके गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और पिछले 2.5 वर्षों में वाकई मैं इस सवाल की बहुत ज़्यादा इच्छुक थी कि कोई मीडिया का पर्सनल, आपका क्या नाम है? रियाजुल खान जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा एंड लिटरली आज मुझे लगता है कि देश में अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड दैट हैज़ टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट विद इक्वालिटी, अगर ये पूरे देश में लागू हो जाए तो हमारे देश को कोई भी अंडर डेवलप नहीं करेगा और हम बहुत फास्ट स्पीड से डेवलपिंग कंट्री के रूप में चले जाएंगे। तो चाहे जो भी सरकार हो, जो भी शासन हो और जो भी लोग वहाँ पर रहें, उन्हें मेजरली जो फोकस करना है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे करना है और क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे करना है। आज CBSE बोर्ड का जो एजुकेशनल लेवल है, ICSE बोर्ड का है, उसको अगर हम समांतर लेवल से सारे स्कूल्स में हम लागू कर दें, जो टीचर्स हैं जो वहाँ पे हमारे बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट प्रीमिसेस में पढ़ा रहे हो या प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, अगर गवर्नमेंट एक सेक्टर में ला करके उनका परीक्षण करे, उनको प्रॉपरली ट्रेन करे, समय समय पे उनके भी एग्जाम्स ले और इन दो क्षेत्रों को, एक स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर इसको अगर सरकार मजबूत कर देती है तो हमारे देश को डेवलप कंट्री बनने में बिल्कुल समय। CBSE बोर्ड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की NCERT बुक नहीं चलाई जाती स्कूलों में, ठीक है, अपनी मर्जी से चलाई जाती विद्यालय चलाता है। देखो 4 क्लास के बच्चों की 6,000 की बुक पड़ती है, अगर NCERT की बुक 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक चलाई जाए तो उससे कुछ प्रभाव पड़ रहे कि नहीं पड़ेगा? देखिए मेरा कहना है कि 1 एजुकेशन सिस्टम अगर लागू होगा तो समानतः एक तरीके की किताबें लागू होंगी। NCERT की बुक जो है वो हमारे गवर्नमेंट की बुक्स होती है और मुझे जहाँ तक लगता है जब तक इसमें सरकार अग्रण हो करके उसमें एक्शन नहीं लेगी तब तक चीज़ों को बेटर नहीं किया जा सकता है। कई बार हमारा जो कॉन्वेंट का बच्चा है उससे हमारा जो आपका सरकारी स्कूल का बच्चा है अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है, तो इसका कारण ये नहीं है कि वो कहीं से योग्यता में कम है, कारण ये है हम, दोज हु आर नॉट मेकिंग द स्कूल्स ऑफ द इक्वल लेवल, दोज हु आर नॉट मेकिंग द बुक्स ऑफ द इक्वल लेवल, दोज हु आर नॉट मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इक्वल लेवल एंड वी आर द वन हु आर नॉट मेकिंग द टीचर्स ऑफ द इक्वल लेवल। अगर हमारा टीचर कोई कमजोर भी है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम प्रशिक्षण दें, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो ही है, एक पर्टिकुलर जो आपका क्राइटेरिया होता है उस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, लेकिन अगर वो बच्चों को उस निपुणतापूर्वक पढ़ाने के लिए अगर सक्षम नहीं है, जैसे CBSE और ICSE के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहाँ के टीचर्स हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण देकर के बेटर करने की जिम्मेदारी हमारी है। पहले इसी CBSE बोर्ड के बच्चे जो है 1 क्लास के बच्चे की दूसरी क्लास जब जाते थे उन्हीं के घर का बच्चा उसी बुक को पढ़ लेता था, आज ये परिस्थितियाँ है कि वो बुक बेकार हो जाती है, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, इसका मतलब व्यवसाय बना दिया गया इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जब तक चिकित्सा और शिक्षा को व्यवसाय बनाया जाएगा हम इसी तरीके से परेशान रहते रहेंगे। और मुझे ये अंत में यही कहना है कि जो भी सरकार आए और जो भी लोग रहे, आप जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता के लिए चुने गए हैं, और जनता की आज बेसिक जो नीड है वो उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा है, तो उसमें इस तरीके के रोजगार को ना करते हुए सेम बुक्स हैज टू बी ऑनलाइन एवरीवेयर, टीचर्स आर टू बी गिवन द सेम स्टैंडर्ड एवरीवेयर, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारे सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को, जैसे कि मैं तो सरकारी कॉलेज से पढ़ी हूँ, चाहे वो मेरा MBBS हो या MD हो, एम्स को भी हम सरकारी संस्था मानते हैं, अगर हम उच्च शिक्षाओं में अगर सरकारी संस्थाओं में जाते हैं तो हमें गर्व महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं, तो ऐसा प्राउड हम अपने बच्चों को प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में और माध्यमिक स्कूलों में भेजने पर क्यों नहीं कर सकते, तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। दूसरी बार यहाँ पे आके पिछले महीने आप 19 अगस्त को आई थी, या दूसरी बार आपको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब भी मैं बच्चों के बीच में आती हूँ, क्योंकि वाकई
मैंने बहुत अपने लाइफ में कोशिश की कि मैं भी टॉपर बन सकूं, बट आई हैव बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. हाँ, ऑल दो आई हैव बीन अ डॉक्टर, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन बच्चों के बीच में आकर के मैंने भी अपने आप को फर्स्ट प्राइज सिक्योर कर लिया, या मैंने भी अपना पुराना जो लाइफ है उसको वापस से जी लिया. सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. थैंक यू.